हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर हमारा मॉस्किटो किलर बैट खराब हो जाता है तो उसमें जो सर्किट इस्तेमाल होता है उस सर्किट में फॉल्ट आती है, तो ऐसी कंडीशन में उस सर्किट को रिपेयर करने के लिए हमको सर्किट में लगे हुए सारे कंपोनेंट की डिटेल पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसका जो सर्किट डायग्राम है यानी वो सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे अटैच हैं, कैसे जुड़े हैं, ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज, ये जो सर्किट होता है ये सर्किट काम कैसे करता है यानी इसकी वर्किंग थ्योरी, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, तभी हम एक मॉस्किटो बैट का जो सर्किट है उसको सही ढंग से रिपेयर कर पाएंगे। तो यहां पे इस वीडियो में मैं आपको ये जो मॉस्किटो किलर बैट का सर्किट है इसको एक्सप्लेन करके इसमें इस्तेमाल होने वाले सारे कंपोनेंट की डिटेल और वर्किंग थ्योरी समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो किलर बैट का सर्किट है इसको हम चार पार्टीशन में यानी चार सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हमें इसे समझने में आसानी रहेगी। पहला जो सेक्शन है जिसमें एक ये आप पीएफ कैपेसिटर, कुछ डायोड और रेजिस्टेंस, एक एलईडी इंडिकेटर देख पा रहे हैं, ये सेक्शन जो है ये हमारा इसका चार्जिंग सेक्शन है, जो इसमें बैटरी लगी होगी उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग सेक्शन है। दूसरा सेक्शन जो है जहां पे एक बैटरी और ये दो स्विच लगे हुए हैं और इसके अलावा एक एलईडी इंडिकेटर और एक रेजिस्टेंस लगी है, ये सेक्शन जो है इसका बैटरी और स्विच का सेक्शन है यानी ऑन ऑफ ऑपरेट करने के लिए यहां पे ये सेक्शन बैटरी और स्विच का सेक्शन है। इसके बाद तीसरा सेक्शन, एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक ट्रांसफार्मर और एक ये आप यहां पे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन है। तो ये सेक्शन जो है ये हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए, डीसी से एसी जनरेट करने के लिए, तो यहां पे ये सेक्शन हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद यहां पे आप चौथा सेक्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें ये तीन डायोड लिए गए हैं, दो यहां पे ये कैपेसिटर है, एक ये बड़ा सा पीएफ कैपेसिटर है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये जो हाई वोल्टेज जनरेट होगा यहां पे इस सेक्शन में उसको मल्टीप्लाई करके और ज्यादा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला सेक्शन है। तो यहां पे ये वोल्टेज मल्टीप्लायर वाला सेक्शन है। तो ये चारों सेक्शन जो है अब हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहां पे बिल्कुल मैं आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ जाएंगे और एक एक कंपोनेंट की डिटेल दूंगा। तो यहां पे सबसे पहला जो सेक्शन है उसको हम यहां से डिनोट करते हैं, ये हमारे एसी इनपुट के पॉइंट्स हैं। यहां पे हमारी एसी जो है इनपुट होती है जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए जरूरत पड़ती है जिसकी, तो यहां पे फेस और न्यूट्रल हमारे यहां पे इनपुट होते हैं। इसमें क्या है कि यहां पे सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसी के साथ एक एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है और ये हमारा फेस और न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। यहां पे ये रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 150 किलो ओम है, तो ये 150 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ में एक सीरीज में एलईडी इंडिकेटर जोड़ के डायरेक्ट मेंस लाइन के संपर्क में इसको करके हम इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, तो यहां पे पता चलता है कि अंदर वोल्टेज जा रहा है। इसके बाद इसी के आगे यहां पे वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए एक कैपेसिटर लगा होता है, चूंकि इसमें 4 वोल्ट की बैटरी को हमको चार्ज करना है तो एक कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट ये होता है वास्तव में। इसी कैपेसिटर के साथ में इस पीएफ कैपेसिटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पीएफ कैपेसिटर के साथ में एक रेजिस्टेंस और लगी होती है, ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस हो सकती है या कुछ कम की हो सकती है। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगी है वो 680 किलो ओम्स की है, यहां पे 680 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ये हमारे फेस और न्यूट्रल जो है कैपेसिटर से होता हुआ, ये न्यूट्रल हम मान के चलते हैं, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट और फेस जो है ये हमारा कैपेसिटर से होता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद ये हमारा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर यानी ये चार डायोड यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं, इन चार डायोड से एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। तो यहां पे ब्रिज रेक्टिफायर को आप पहले से ही जानते हैं, यहां पे ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट पॉइंट्स पे ये चला गया हमारा दोनों वायर्स का कनेक्शन। इसके बाद यहां पे ये हमारी डीसी से आउटपुट हो जाती है, यहां पे ये हमारी डीसी आउटपुट हो गई। तो यहां पे ये बैटरी चार्जिंग के लिए यहां पे हमें जो करंट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन जो है ये सेक्शन हमारा चार्जिंग का सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है। इसके बाद अब हमारा सेक्शन शुरू होता है बैटरी और स्विच का सेक्शन। तो बैटरी और स्विच का सेक्शन हम देख लेते हैं। तो यहां पे एक लेड एसिड बैटरी होती है, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी लेड एसिड बैटरी हो गई, जिसमें इस साइड का टर्मिनल प्लस है और इस साइड का टर्मिनल माइनस है। तो ये जो प्लस है ये बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट हो जाता है इस तरीके से, और जो माइनस है ये बैटरी के माइनस के साथ कनेक्ट हो जाता है, बैटरी हमारी चार्ज होने लगेगी। ये बैटरी जो है ये 4 वोल्ट की बैटरी होती है। अब इसके आगे एक स्विच लगा होता है जिसको हम पुश ऑन ऑफ स्विच कहते हैं। इसके अलावा एक और स्विच इसमें लगा होता है जिसको हम मोमेंट्री स्विच कहते हैं, ये हमारा मोमेंट्री स्विच हो गया। और ये हमारा सप्लाई जो है, जब हम यहां पे ये मोमेंट्री स्विच को ऑन पोजीशन में और पुश स्विच को प्रेस करेंगे, ऐसी हालत में पॉजिटिव जो है ये हमारा यहां पे पहुंच जाएगा और निगेटिव हमारा यहां पे पहुंच जाएगा। तो यहीं पे एक एलईडी इंडिकेटर और लगा होता है इस तरीके से, हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस और एक एलईडी लगी हुई है और ये हमारा इस तरीके से। तो जब हम इसको ऑन कर देंगे और यहां पे पुश करेंगे तो ये एलईडी इंडिकेटर जो है ये ग्लो होने लगेगा, तो हमको पता चलेगा यहां पे सप्लाई हमारी पहुंच रही है, यानी हमारा हाई वोल्टेज पार्टीशन में सप्लाई जा रही है। तो ये इंडिकेटर जो है ये हाई वोल्टेज
सप्लाई जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, ये इंडिकेट करने के लिए। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये 1.2 किलो ओम है, यहां पे 1.2 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस को यूज किया गया है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हाई वोल्टेज डीसी टू एसी जनरेट करने वाला सेक्शन है। तो यहां पे वो सेक्शन भी हम देख लेते हैं। तो यहां पे ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहां पे पॉजिटिव हमारा प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये सेक्शन हाई वोल्टेज वाले सेक्शन में ये सप्लाई जाती है। तो हाई वोल्टेज सेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, यहां पे एक कंपोनेंट हाई वोल्टेज सेक्शन में एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, यानी यहां पे एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। ज्यादातर इनकी जो वैल्यू है वो सेम होती है, जो इन पे मार्किंग है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं यहां पे 880 या 1351 मान के चल लेता हूं। तो यहां पे 1351 मैंने मान लिया कि 1351 एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, जहां पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो पिन आउट है, इस साइड की पिन जो है ये इमिटर है, सेंटर की जो पिन है ये हमारी कलेक्टर है, यहां पे सी से डिनोट कर देता हूं, इस साइड की पिन जो है ये बेस है। तो अब इसको हमें कनेक्ट करना है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, दूसरा जो कंपोनेंट है इसका एक ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं फेराइट इंडक्टर का ट्रांसफार्मर है, इसमें 6 लेग होती हैं, इस तरीके से हम 6 लेग इसकी बना लेते हैं। इसमें यहां पे इस साइड की जो 2 लेग है ये हमारी हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली है। यहां पे इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पिन है, इन पिन्स पे एक अंदर क्वाइल बाइंड होती है जिसमें 10 टर्न होते हैं, लगभग 10 टर्न होते हैं। और इसके बाद एक यहां पे बाइंडिंग है, इसमें लगभग 35 टर्न होते हैं, 35 टर्न मैं बना लेता हूं। एक यहां पे जो हाई वोल्टेज वाली जो बाइंडिंग होती है इसमें लगभग 1800 टर्न के लगभग होते हैं, 1800 टर्न के लगभग। तो इस तरीके से मैंने टर्न बता दिए हैं। अब इसकी बाइंडिंग जो है उसको बता देता हूं, ये हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली बाइंडिंग है। इसके बाद ये वाली जो बाइंडिंग है ये हमारी मेन बाइंडिंग है, इसको मेन बाइंडिंग कह देते हैं, एम से डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद ये हमारी जो बाइंडिंग है ये फीडबैक बाइंडिंग है। तो यहां पे ट्रांसफार्मर के 3 पिन है, 1 2 3, और इस साइड पे 3 पिन है, 1 2 3। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो मेन बाइंडिंग है, मेन बाइंडिंग का एक लूप हमारा डायरेक्ट इमिटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं इमिटर के साथ। जो दूसरा लूप का ये पॉइंट है ये हमारा माइनस, यानी बैटरी के माइनस के साथ कनेक्ट होगा, यहां पे माइनस है। इसके बाद जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है 1351 या कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर की जो सेंटर पिन है यानी कलेक्टर पिन है, ये हमारी बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाती है, ये हमारी बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गई। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की फीडबैक बाइंडिंग आप देख पा रहे हैं, फीडबैक बाइंडिंग का एक वायर स्टार्टिंग वाला, ये वाला वायर, ये हमारा डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा जो वायर है फीडबैक का, यहां पे एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट हो जाती है, इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट मान लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये 1.2 किलो ओम है, यहां पे 1.2 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इसका कनेक्शन हमारा क्या, कहां पे जाता है, इसका कनेक्शन हमारा बेस के साथ हो जाता है। इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, तो ये बेस के साथ कनेक्ट हो गई। अब यहां पे हमें हाई वोल्टेज वाली पल्स जो है वो मिलना चालू हो जाती है। काम कैसे करता है इसको देख लेते हैं। यहां पे ट्रांजिस्टर है, ये हमारी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में मेन बाइंडिंग और फीडबैक बाइंडिंग, इन बाइंडिंग में फ्लक्स परिवर्तन होता है, उसी के हिसाब से ये काम करता है। आगे मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि मेन बाइंडिंग नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट है, ये हमारी ट्रांजिस्टर के इमिटर के साथ कनेक्ट है, और कलेक्टर पे पॉजिटिव जा रहा है, यानी कलेक्टर और इमिटर जो है ये आपस में कनेक्ट है। ऐसी हालत में यहां पे सप्लाई पहुंचेगी, तो इससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर में एक फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इसमें करंट, जब कॉइल में करंट उत्पन्न होता है तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स जनरेट होता है, मैग्नेट जनरेट होता है। उस मैग्नेट के कारण जो फीडबैक बाइंडिंग है इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन होगा और इसमें भी करंट जनरेट हो जाएगा। इसमें यहां पे करंट भेज रहे हैं और इसमें जनरेट होगा, जब जनरेट होगा तो यहां से ये हमारा एक सिग्नल भेजेगा यहां पे बेस पे। तो ये क्या करेगा, अगली कंडीशन में जैसे ही इसमें करंट जाएगा और मैग्नेट बनेगा, वैसे ही यहां पे भी करंट पैदा होगा, जिसकी वजह से बेस पे सिग्नल जाएगा और ये इसका कनेक्शन कट कर देगा। लेकिन जब कट करेगा तब तक फिर से इसमें जीरो हो जाएगा और यहां पे कोई करंट पैदा नहीं होगा, कोई करंट जनरेट नहीं होगा इस फीडबैक बाइंडिंग में। तो ऐसी कंडीशन में ये फिर जुड़ जाएगा और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इसी प्रक्रिया में, क्योंकि यहां पे ये जो हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली कॉइल है इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें हाई वोल्टेज, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्न्स लगे हैं, तो इसके कारण यहां पे हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो यहां पे हमें हाई वोल्टेज मिलने लगता है। तो ये जो सेक्शन है ये हाई वोल्टेज वाला सेक्शन हो गया, इसको हम लिख लेते हैं HIGH, हाई वोल्टेज वाला सेक्शन। तो यहां पे हाई वोल्टेज का सेक्शन भी आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको समझ लेते हैं, वो है हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर वाला सेक्शन। तो यही जो एचवी वाले पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम यहां पे मान के चलते हैं। ये हमारे एचवी वाले पॉइंट है, हाई वोल्टेज जनरेट करने वाले पॉइंट है। अब इनको हम वोल्टेज मल्टीप्लायर के साथ जोड़ के और भी ज्यादा हाई करेंगे। तो इसके लिए इसमें करते क्या है, यहां पे इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं 3। मेन कंपोनेंट जो है वो 3 है, एक तो हमारा पीएफ कैपेसिटर है, दूसरा हमारा डायोड है, और एक हमारा
पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर, इसी तरीके का एक और ये कैपेसिटर आप देख पा रहे हैं, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे दो पीएफ कैपेसिटर हैं और ये डायोड्स हैं, तो इनको जोड़ के ये हाई वोल्टेज मल्टीप्लायर वाला सेक्शन बनाया गया है। तो इसके सारे कंपोनेंट की डिटेल हम देख लेते हैं, कैसे ये जुड़े हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे एचवी वाली ये लाइन के पॉइंट्स हैं और इन पे एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 3 kV यानी 3000 वोल्ट कैपेसिटी वाला एक कैपेसिटर है, जिसपे मेंटेन मिलेगा आपको 101 3 kV। इसका मतलब है ये 100 pF का कैपेसिटर है, सबसे पहला कैपेसिटर इसमें है 100 pF और 3000 वोल्ट यानी 3 kV वाला। इसके बाद एक कैपेसिटर और यहां पे लगा हुआ है, ये जो कैपेसिटर है ये सेफ्टी कैपेसिटर, आपने देखा होगा एसएमपीएस सर्किट में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में दोनों के बीच में ये कैपेसिटर लगा होता है, एक्स और वाई क्लास कैपेसिटर। तो इस पे जो मेंटेन है वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मेंटेन है JY222M। इसका मतलब हो गया, यहां पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, 222M का मतलब हो गया 2200 pF, यानी यहां पे 100 pF का है और ये 2200 pF। पिकोफेरेड मतलब जैसे माइक्रोफेरेड होता है ऐसे ही नैनोफेरेड और पिकोफेरेड, ये और छोटी यूनिट है फेरेड को प्रदर्शित करने के लिए पिकोफेरेड में। तो यहां पे ये दो कैपेसिटर हो गए। इसके आगे अब क्या है, एक यहां पे डायोड लगा हुआ है, ये डायोड लेकिन नॉर्मल डायोड नहीं है, ये डायोड पे मेंटेन आपको मिलेगा R4KF यानी ये 200 mA और 4 kV यानी 4000 वोल्ट यानी हाई वोल्टेज में काम करने वाले डायोड है। तो यहां पे इसमें मेंटेन है, क्या मेंटेन है, R4KF। इसको आप डाटा सीट इसकी देखेंगे तो आपको पता चलेगा 200 mA और 4000 वोल्ट में काम करने वाले ये डायोड है। एक तो डायोड यहां पे लग गया, दूसरा डायोड कहां लगा हुआ है, एक डायोड यहां पे लगा हुआ है इस पॉइंट से जो हाई वोल्टेज जनरेट वाले पॉइंट है, इसी पॉइंट से आगे इस कैपेसिटर के बीच में एक यहां पे डायोड लगा हुआ है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ये एक डायोड लगा है। दूसरा डायोड कहां लगा है, दूसरा डायोड हमारा यहां पे लगा है इस तरीके से, यहां पे मैं डिनोट कर देता हूं इस तरीके से, ये हमारा डायोड लगा हुआ है। डायरेक्शन आप देख ही पा रहे हैं, डायरेक्शन इनकी इस तरह से है और ये वाले डायोड की इस तरीके से। अब क्या है, इसके आगे यहां पे हमारा ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है पीएफ कैपेसिटर, ये लगा हुआ है और इसकी वैल्यू भी हम बता देते हैं। इसकी वैल्यू जो है इसमें आप देखेंगे तो इसमें मेंटेन आपको मिलेगा 223J और 2000 वोल्ट, यानी इसका जो वैल्यू अगर हम निकालेंगे माइक्रोफेरेड में तो इसकी वैल्यू होगी 0.022 μF और 2 kV। तो यहां पे इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी। अब क्या होता है, ये जो है वोल्टेज मल्टीप्लायर के आगे ये पॉइंट्स जो है, यहां पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हमको मिलता है, जिसमें जाली जो है मच्छर जिसमें मरता है उसमें 3 जालियां होती हैं, एक सेंटर की और दोनों आउटर साइड दोनों तरफ एक एक जाली होती है। तो कनेक्शन कैसे होते हैं, जो सेंटर वाली जाली है वो महीन होती है, उससे मच्छर आर पार नहीं जा सकता, जबकि जो उसके दोनों साइड पे बाहर जो जाली लगी होती है उसमें काफी गैप होता है, उसमें मच्छर या मक्खियां जो है वो अंदर चली जाती है लेकिन सेंटर वाली के आर पार नहीं हो पाती है। तो सेंटर वाली जो जाली है उसमें कोई भी एक वायर ये या ये आप कोई भी एक कनेक्ट कर दें, उसमें एक ये कनेक्ट हो जाएगा, जो आउटर की जो दोनों साइड की जो जालियां हैं उनमें यहां से 2 वायर कनेक्ट कर दिए जाते हैं, एक साइड की जाली में एक वायर और दूसरी साइड की जाली में दूसरा वायर। और जो चार्जिंग वाला पॉइंट हमारा यहां पे शुरू होता है, जहां पे 220 वोल्ट एसी हमारी इनपुट होती है, इसको हम लगाते हैं अपने घरों की मेन सप्लाई पे, यहां पे सप्लाई देते हैं जिससे कि वोल्टेज ड्रॉपर द्वारा हमारी बैटरी जो है ये चार्ज होने लगती है। तो यहां पे सारा सर्किट डायग्राम जो है मैंने बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा दिया है, फिर भी अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो सर्किट है इसको खुद से कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल, इससे भी सिंपल तरीका जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मैं इसका जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर को कैसे रीबाइंडिंग करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।